सिमरन करें। बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 के चरणों में रखे हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। एक बार टूटा पल जैसे फिर नहीं लागे डार, ऐसे ही न प्यारे मिले न बारंबार। बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मनुष्य का तन लेकर जग में आया लाखों बार, फिर भी प्यारे भवसागर से हो नहीं पाया पार। बोलो राम, बोलो राम, रोका या टाला नहीं जा सकता। ये पांच जब तक शरीर चलता है, घर का, दुकान फैक्ट्री का काम काज करते हुए अपने प्रभु को भी याद रखो, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है।
हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में बहुत से काम करेंगे, जैसे यात्रा है और है, परंतु भगवान कहते हैं ये पता नहीं, अरे बुढ़ापा आता भी या नहीं आता, और आता भी है तो क्या कुछ लेकर आता है। इसलिए जवानी में जो हम भजन कर सकते हैं, जवानी में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, जिनको आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनकी प्रार्थना सभा में इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार को पाला पोसा, बड़े किया, स्टैंड किया और उनको अच्छे संस्कार दिए। आज हम लोग दुकान फैक्ट्री तो बहुत लोग बना लेते हैं, परंतु अपने परिवार को संस्कार नहीं दे पाते। मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये आत्मा जिनका मेरे से भी इनका मेरा आत्मिक संबंध था परिवार से, ये लोग मुझे भी अपने घर के लड़की समझते हैं, कि ये दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो परमात्मा इनको उत्तम से उत्तम गति दे, और पीछे परिवार के लोग जो मेरे हैं वो इनके वियोग में व्यथित हो रहे हैं, इनको भी सहन करने की शक्ति दे, और उनको जो बाबूजी के जाने के बहुत गहरा दुख हुआ है, आघात पहुंचा है, उनको भी सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्ति प्रजाया परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की Thank you.
कहते हैं डेथ इज द गेट ऑफ लाइफ, मृत्यु ही जीवन का अंत है। जो भी प्राणी इस संसार के अंदर आया है उसने एक ना एक दिन संसार का त्याग करके जाना है। ये नियम इंसान ने नहीं बनाया, उस परमात्मा ने बनाया है कि जितने बात पता चलता है कि मां बाप क्या चीज है।
हम सब चले जाएंगे, लेकिन परिवार के अंदर जो उनके जाने की कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। केवल एक सहारा है इस दुख की घड़ी के अंदर, वो है भगवान का नाम। यही नाम करके जीव हार जाता है, कुछ नहीं कर सकता। जीव रोता है, बिलखता है, लेकिन फिर अंत में आकर के भगवान का नाम का सहारा लेकर के ही उस प्राणी को अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। तो आइए मिलकर के अपनी रचना को पावन कीजिए। यही समय है यहाँ पर बैठ करके जितना प्रभु नाम का चिंतन करेंगे, जितना भगवत नाम का चिंतन करेंगे, उतना फल उस कई भी आगाम को जाकर के मिलेगा। तो मिलकर के भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। जय Thank you.
सोया तुझे संसार के फूटे से जिसने बांध रखा है तेरे सोते वो मोम पता की रस्सी टूटे जाए तू सोया फिर ना उनके ही नाम आज इस दुनिया में छाए हैं नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए इसलिए जीव ऐसे गर्व करके संसार से जा कि तुझे जाने के बाद लोग याद रहे कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ ये संसार से चला गया इसका तो चले जाना ही अच्छा है के जेड़े चुवारिया में ओ सीना कर दिया बिखरिया मेरे ये जब चलो चली हो किस दिन बालिए जी में चला जाता है ये मंच के ऊपर तस्वीर इसलिए लगाई जाती है ताकि यहां पर आकर के इंसान को अपने पहले भी इतना संसार का त्याग करके जाना इसलिए जीव अपने जीवन के अंदर जितना हो सके भगवान नाम का ही एक सहारा है इस दुख की घड़ी के अंदर करो श्री राम का सिमरन अगर मुक्ति को पाना है करो श्री राम का मुक्ति को पाना है करो श्री राम का नवामों से किया
ऐसी मौत से याद आता है कि समय का कोई भरोसा नहीं। इंसान बड़ा कुछ सोचता है, आने वाली जाना पूरियां कल पता बखेरा फिर भी रहती है भैया। तुम कहां चले गए, मार तुम्हें बुलाए, सोचा के आप आए। तुम कहां इस गोचर परिवार के अंदर जो कमी आई है उनके चले जाने की कोई पूरी नहीं कर सकता। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को यही परिणाम देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच हमारे परमात्मा ने परम श्रद्धे परम पूजने वेद मंदिर से हमारे आदरणीय पवन दीदी जी भी आए हैं। उनके भी भाव हैं, उनके प्रति स्वामी निगम बोध धीरज यहाँ पर नहीं पहुंच सके, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने भाव आपके समक्ष रखेंगे हमारे आदरणीय भवन में। बोलिए शंकर भगवान की जय। मृदु मधुर स्वभावं ब्राह्मनिष्ठं वरिष्ठं नमते पवन दीदे तीर्थम अतुल गुण निधानम दाम धर्म से लोके निखिल निगम वेता सर्वदा ज्ञान दाता भवति सपदि यस्य सात्कृपा माधिषेके।
जयतो निगम बोधो वेद विज्ञेय पिंड यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे दे छोड़ सब अरमान नितरि नाम जप दिन रात तरे संसार के वैभव सभी तू जान जलती आगरे तू देख आंखें खोल कर बीती निशाब जागरे नाते सभी तन से किए माँ बाप पुत्र कलत्रये साथी सहोदर अपन को भूला फिरे लगी अत्र है व्यर्थ ही ममता किया ना अंत को संग लागरे तू देख आंखें खोल कर बीती निशाब जागरे प्यारे जो तेरे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में वे जाएंगे सब एक दिन तज कर तुझे मझधार में साक्षी न होगा तन तेरा जिसमें अधिक अनुराग रे तू देख आंखें खोल कर बीती निशाब जागरे। आइए उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के लिए भगवान नाम का सिमरन करें। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो हरि और उनको अच्छे संस्कार दिए। आज
हम लोग दुकान फैक्ट्री तो बहुत लोग बना लेते हैं, परंतु अपने परिवार को संस्कार नहीं दे पाते। जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई तो गुरु जी ने भट्ट जी के ननिहाल एक पत्र भेजा कि उनको यहाँ लेकर आओ, परंतु ये नहीं बताना कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। मंत्री गए, भरत जी आपको गुरु जी ने बुलाया है। अरे भाई क्या बात है, भरत जी आपको गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी आते रहते फिर पूछते, भैया सब सुख तो है घर में, सभी शांति तो है, सब राजी खुशी तो है, मुझे बताओ, क्योंकि मेरा अंदर से मन कुछ छटपटा रहा है, क्योंकि घर में कोई भी दुखद घटना होनी होती है ना तो अंदर से पहले आत्मा बुझी बुझी होती है। तो मंत्री यही कहते आए, आपको गुरु जी ने बुलाया है। ज्यों ही अयोध्या जी में प्रवेश किया तो देख के भरत हैरान हो गए। उस समय गुरु जी के चरणों से लिपट कर रोने लगे, गुरु जी कि आपको पहले पता नहीं था कि भैया का वनवास हो जाएगा और पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो मैं जाता ही ना। उस समय गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ गए और अपने मन को बड़ा संयमित करते हुए गुरुजी ने कहा कि सुनाओ भरत भावी प्रबल अर बिलख कहे मुनि नाथ कि हानि लाभ जीवन मरण और यश अप यश विधिहार। भरत बेटा ये ऐसे विधान लिखा था कि तुम अपने ननिहाल में जाओगे और राम जी वनवास में जाएंगे तो पीछे पिताजी का स्वर्गवास होगा, इसलिए ये जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन सभी नियम लिखे जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी इस बात को अपने पास गुप्त रख लेते हैं। ये परिवार बहुत ही सात्विक है, इनका वेद मंत्री से बहुत ज्यादा आत्मीय संबंध है और मेरे भी ये परिवार के अपने ही लोग हैं। मैं जानते हूँ कि इस परिवार के बच्चे कितने उच्च विचारों के, कितने सहन शक्ति के, कितने अपने माता पिता की भक्ति करने वाले हैं। यद्यपि आज इनके पिताजी का ये पांच भौतिक हाथ इनके सिर से हट गया, परंतु पिताजी का जो आशीर्वाद है वो सूक्ष्म रूप से इनके साथ ही रहेगा, क्योंकि जो बड़ों की सेवा होती है ना वो कभी व्यर्थ नहीं होती। इन्होंने कोई ज्यादा लंबे समय तक दुख नहीं पाया, नहीं तो लोग क्या करते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए ना तो बच्चे पर सोचते हैं, पत्नी सोचती है, अरे रात को कौन जागेगा, कौन ऐसा काम करेगा, परंतु इन बच्चों ने परिवार वालों ने किसी को काम नहीं करने दिया, खुद अपने हाथों से सेवा की, क्योंकि इनका ऋण इन परिवार पर इन बच्चों पर था, तो अपने माता पिता का ऋण उतारने के लिए उनकी सेवा करो। ऐसे परिवार को कभी भी पितर दोष नहीं लगता, पितर दोष उन्हीं को लगता है जिनके माता पिता बड़े बुजुर्ग इस लोक में अपने बच्चों से परेशान होते हैं। परंतु ये हमारी बहू अमन बैठी है, बेटा बैठे हैं, इन्होंने पिताजी को भगवान शंकर समझकर अपने मन से उनकी सेवा की, बहुत धन लगाया, मन लगाया, शरीर लगाया, परंतु मृत्यु के आगे कोई किसी का बस नहीं चलता। इसलिए ऐसे परिवारों से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का मान करो, तभी हम लोग बढ़ेंगे फूलेंगे, क्योंकि ये शरीर है ये तो नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसा नहीं कि ये कहीं चले गए हैं, यद्यपि इनका शरीर गया है परंतु जो इनके परिवार के प्रति सद्भावना है, आशीर्वाद
मैं समझती हूँ हर कदम पर इनके साथ रहेगी। दूसरी बात, मैं वेद मंत्र वाले दंडी स्वामी महाराज एक बात कहा करते हैं कि इस भरी सभा में जो हम ये पगड़ी की रस्म करते हैं ना, ये 2-2.5 मीटर सिर पर कपड़ा बांध लेने का नाम पगड़ी नहीं होता। ये तो इनके बच्चे समाज में प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारे पिताजी बड़े का मान करते थे, जो अपने अधूरे कार्य छोड़ कर गए हैं, जिन परंपराओं पर चलते थे, जैसे हमारे माता जी को रखते थे, ऐसे ही हम अपने संबंधियों से अपने माता को अपने परिवार को चलाएंगे। ये परिवार के बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए समय थोड़ा है, काम जरूरी है और मौका भी यही है कि घर में रहते हुए बड़े बुजुर्गों का मान करो। समय की मर्यादा को ध्यान में रहते हुए मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये आत्मा जिनका मेरे से भी इनसे मेरा आत्मिक संबंध था परिवार से, ये लोग मुझे भी अपने घर के लड़की समझते हैं। मेरा तो आने को मन नहीं था, पर ये बहन जी ने कहा नहीं तुमने जरूर आना है, क्योंकि मैं सोचती थी अपनी ये मंजू बहन को ऐसी हालत में कैसे देखूंगी अपने परिवार के लोगों को, जिसका चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला रहता था, आज उदासी में कैसे देखते। परंतु सब कुछ होते हुए उस भगवान से प्रार्थना आकर करनी पड़ती है, उसकी जो भी रजा में राजी रहना पड़ता है। तो मैं उस परम पिता परमात्मा यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ये दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो, परमात्मा इनको उत्तम से उत्तम गति दे, और पीछे परिवार के लोग जो मेरे हैं वो इनके वियोग में व्यथित हो रहे हैं, इनको भी सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी है ना वो 2 पहियों चलती है, अगर गाड़ी का 1 पहिया अलग हो जाए तो गाड़ी भी डगमगा जाती है, डोल जाती है। इसलिए आज इस परिवार पर जो विपत्ता का पहाड़ पड़ा है वो ही इनको सहन करने की शक्ति देगा, क्योंकि इनके मायके वाले ससुरे वाले बहुत ही अच्छे हैं, वो इनकी हर स्थिति का ध्यान रखेंगे। इतना कहते हुए पूज्य दंडी स्वामी महाराज की ओर से मैं यही आशीर्वाद लेकर आई हूँ कि ये परिवार खूब बड़े फूले, और उनको जो बाबूजी के जाने के बहुत गहरा दुख हुआ है, आघात पहुंचा है, उनको भी सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्ति प्रजाया परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर विराजमान है और हमारे आदरणीय विषम चोपड़ा जी यहाँ पर विराजमान है, तो उनकी ओर से भी उस आसमान के प्रति भगवान के चरणों में प्रार्थना करने अपने चरण में स्थान दे, अंत में उस परम पिता परमात्मा के चरण में यही ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों मेहमान बन के आ
ये जगत है पराया। ये परिवार आए हुए प्रार्थना का रिश्तेदारों का धन्यवाद करता है कि इस दुख की घड़ी के अंतर आकर के आपने परिवार का साथ दिया। अमित कौचर जी, रोहित कौचर जी, दीदी कौचर जी, अमित कौचर जी और चोपड़ा परिवार, मेहरा परिवार, मंडेरा परिवार, सबका धन्यवाद करता है। अंत में उस परमपिता परमात्मा की चर्च में यही प्रार्थना की, यहाँ पर बैठ करके जितना भजन नाम संकीर्तन हमने किया, जितना भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम श्रवण किया, उसका पूर्ण फल उस गई ही आत्मा को जाकर के प्रदान हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि रसम उठाने के ऊपर ये सारा कार्यक्रम हुआ है, बाकी का जितना भी जो भी परिवार की ओर से जो कर्म कराए जाएंगे उस साधना के लिए पूरे विधि विधान के द्वारा करे जाएंगे, क्योंकि परिवार की कुछ मजबूरियां होती हैं। शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेति सुशांतर भवति ओमा ओम शांति शांति शांति। दरबार मास्टर मोहनलाल जी भगवान आपकी आरती का उच्चारण करवाएंगे। जिन्होंने पगड़ी देनी है मंच के पास आ जाइए, साथ ही साथ में कार्यक्रम किया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। Thank you.